वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड आज का जो सब्सक्राइबर गोल है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड आप लोग इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एंड आज का जो टॉप कमेंट है वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड आप लोगों को भी यहाँ पे फीचर होना है तो आप लोग भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉब्लिन को लेके। तो हमारे को जो गॉब्लिन है वो डीमोटिवेट देखने को मिले थे। एंड उन्होंने कमबैक से रिलेटेड बात करी, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख लो। भाई तू सैड मत है वरना। अरे मैं सैड नहीं हूँ यार, तुम लोग लो पप्पी लो, तुम पप्पी लो भाई, चिल करो। कुछ सीन नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस थोड़ा खराब टाइम चल रहा है। अच्छा टाइम आएगा तो सब टीम दूर भागेगी अपने से, फाइट लेते हुए ध्यान से लेगी, समझे ना तुम लोग। तो थोड़ा क्या मोटिवेशन चाहिए? कुछ नहीं यार, अपने आप कर लूंगा मैं, पक्का बता रहा हूँ तुम लोग को। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम ऑलरेडी लग चुका है, जल्दी होगा, थोड़ा टाइम लग चुका है ऑलरेडी। बहुत टाइम वेस्ट कर ले, 2-3 टूर्नामेंट्स ऑलरेडी फक कर दिए। बट वही है, होप्स नहीं हारने चाहिए बंदे को, किसी को भी, किसी पे भी। मतलब तुम लोगों को पता है हम यही टीम ने गांड फाड़ी थी ना सबकी, और फिर से फाड़ेगी। खराब टाइम चल रहा है, खराब टीम नहीं है, खराब टाइम चल रहा है सिर्फ, समझ रहे हो। खराब कोई प्लेयर भी नहीं है, खराब टाइम चल रहा है, खराब खेल रहे करेंटली, कोई खराब नहीं है पर प्लेयर, और कोई हमारी टीम भी खराब नहीं, तुम लोग को पता है। ठीक है, कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। एंड इसके बाद हमारे को जो आईफ्लिक है उन्होंने रिप्लाई किया था घातक भाई का अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। मतलब पब्लिक कैन पुट देयर व्यू ऑन व्हाटएवर यू पुट ऑन, दैट्स इट। अगर तुम्हें वो छुपा के कंट्रोवर्सी छुपा के कुछ रखना है तो प्राइवेटली बात कर लो किसी से अपनी प्राइवेट। मेरी मेरे पास भी और एक प्राइवेट अकाउंट है जिसमें मैं अपना प्राइवेट चीजें जो है शेयर करता हूँ विद माई प्राइवेट पीपल। अगर उधर से कुछ लीक हुआ ना किसी के थ्रू, देन ब्रो आई विल गो एंड आई विल उसका मैं गला पकड़ूंगा, पूछूंगा कि भाई बोल दी क्या किया तूने वाला ऐसा। सो आई थिंक मतलब ये बहुत थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज हुई है। मैंने कुछ जो अभी स्टोरी के हिसाब से मैं बताता हूँ, कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, यार मैंने कुछ ऐसा गलत या फिर कुछ उनको यू नो घातक को अगर कुछ हेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गॉडल को हेट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं यार। एक नॉर्मल सा यू नो वो क्या बोलता है एफ के गेमिंग ने नॉर्मल से एक स्टोरी डाला था और मैंने उसको रीशेयर कर दिया। और मैंने उसको उसके पहले भी मैंने स्टोरी देखा है कि एसटी का कुछ यू नो समथिंग इज कुकिंग, तो मैंने बस कनेक्ट कर दिया दो डॉट्स को, बस इतना ही किया यार। और मैंने ऐसे भी नहीं बताया कि भाई यही हो रहा है ब्रो लीक्स करके, यू नो आई एम जस्ट आस्किंग द पीपल, आस्किंग द फैन, आस्किंग द पब्लिक जिसने ऑलरेडी ये चीज देखा है, सेम चीज, दैट्स इट। जब अपने स्टोरी डाला था तभी ब्रो मेरे को तो पता भी नहीं कि सच्चे है कि नहीं यार, मैं तो ऐसे ही मजे के लिए डाला था यार, एक हॉट टॉपिक था यू नो। यार सारे क्रिएटर्स एक चीज थोड़ा सा यू नो दिस इज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द क्रिएटर्स ब्रो। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज जो है मुझे लग रहा है इस एक यू नो नजरिया से शायद से मिट सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स इट इज ज्यादातर वो जो चोचले वाले बंदे होते हैं वो लोग अपने अपने डीएम्स में जाके उनको गाली भरता है और उनको उकसाता है और फिर यू नो स्टोरी लगवा के रीशेयर करवाता है। पता नहीं कौन इसको स्क्रीनशॉट भेज के ऐसा ऐसा बोला होगा या फिर कौन किसको कर रहा होगा, ये सब पता नहीं होता। बट देयर इज वन थिंग ब्रो, देखो मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं इस इन्फ्लुएंसिंग वाला जो भी है सेशन में यूट्यूब क्रिएशन में आया है एंड आई एम पब्लिकली हैविंग माई अकाउंट Insta account as public, I am having my YouTube account as public. It is nothing like I am doing a private conversation or anything, right? तो मैं अगर अपना ID public डाल दिया और अगर public ID में मैंने कुछ share किया कि मैं कुछ करने वाला हूँ या फिर मैं कुछ you know दिखाने वाला हूँ या फिर कुछ OP आने वाला है, तो कुछ भी वो तो छोड़ो, वो तो मे भी related है, बट कुछ भी अभी के topic के related नहीं related कुछ भी डालो, तुम्हारे उस स्टोरी या फिर उस पोस्ट पब्लिकली अगर किया है तो पब्लिक का हेट, पहले बात तो पब्लिक का प्यार जब आ रहा है ना तो वो लेने के लिए तो तैयार रहते हैं सब लोग, एवरीवन इज रेडी, सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, सारे क्रिएटर्स को प्यार पब्लिक दे रहे हैं, मजा आ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हें हेट मिल रहा है तो तुम वो भी ले लेनी चाहिए, दैट्स इट, तुम वो भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बस। मतलब पब्लिक कैन पुट देयर व्यू
ऑन वॉट एवर यू पुट ऑन, दैट्स इट। अगर तुम्हें वो छुपा के कॉन्ट्रोवर्सी। एंडिस के बाद हमारे को एक क्लिप देखने को मिली थी जिसमें जो पुकार है वो स्काउट से बोलते हैं कि जो गॉब्लिन है वो स्ट्रीम स्नाइप कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। गॉब्लिन जैसे बंदे को ही देख ले भाई, स्ट्रीम खोल खोल के वेंचर टीम क्वालिफाई कराता है, तो भाई इससे ही समझ आता है कौन। हाँ वो यूई के लास्ट गेम में स्ट्रीम खोल के गाड़ी कर रहा था अपनी टीम को, स्ट्रीम पे लीक हो गया उसका, उसी की तो बात कर रहा था मैं पहले गेम में भाई। सिंपल थी चीज, स्काउट 6-7 मिनट के लिए रख भाई एटलीस्ट, ऐसे तो भाई कुछ मतलब नहीं है, हर कोई देखता है स्ट्रीम, तेरे को भी पता है। इसके बाद काफी सारे जो सोल फैंस हैं वो इस चीज से ऑफेंड हो गए थे, जो स्काउट हैं जब वो स्ट्रीम पे आए थे तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कराया, उन्होंने बताया था कि जो पुकार है उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एंड उनको किसी ने स्टोरी में मेंशन करके ये चीज बोली थी, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर दिया। एंड इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने सॉरी भी बोला था पुकार के बिहाफ पे, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। भाई लोग झगड़े कम लगाओ, नहीं होने वाले बेटी भाई, सब सोल 8-bit TX SAPL पूरा बहुत बड़ा फैमिली है जो साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, तो लोडो अपने बीच में मत झगड़ो, ठीक है? आप लोगों को पता है प्यार बांटो, अपनी एक ही फैमिली है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, टेक केयर। बहुत एक छोटा सा मेरा रिप्लाई है कि माइक्रोफोन उन्होंने, हाँ भाई देखो पुकार को भी किसी चूतिया ने क्लिप भेजी होगी, उसको नहीं पता तो उसने उस क्लिप के हिसाब से बोल दिया, उसकी फॉल्ट है वो, उसको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था। मैं उसके बिहाफ पे सॉरी बोलता हूँ जेन्युइनली, अपनी फैमिली है भाई, ये हेटर्स है जिनको चाहिए कि हम झगड़े, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं सॉरी नहीं बोलता किसी को, बट मुझे पता है मेरा लौंडा गलत नहीं है, ना ही सामने वाला गलत है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी कैसे अंडरस्टैंड। मैं रिक्वेस्ट करता आप लोग से प्लीज ये सब चुतियापा मत फैलाओ, जितने भी ये जो स्पैम कर रहे आल बाल चीजें, आप लोगों को पता है ये जो झगड़े लगवा रहे हैं, पुकार को मैंने बात कर ली, पुकार मिसअंडरस्टूड था, जो उसको क्लिप आई क्या पे जो टैग होता है तो वहाँ पे ऐसा लिख के दिया, तो वो उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, उसको नहीं पता था, और मैंने पूरा चीज अभी किया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्ट्रीम पे डिले रहता है 5-10 मिनट का, उसमें कुछ स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? तो होप आप लोग अंडरस्टैंड करें ये चीज, मैं आपको पुकार के एंड से सॉरी बोलता हूँ अगर आप लोग को गलत लगा ये चीज, जेन्युइनली सॉरी फ्रॉम हिज साइड। मैं माइक ऑफ करने गया था, ऑफ स्ट्रीम वाली बात है, हम वो नॉर्मली बोल रहा था क्योंकि हमें कुछ लगा था कि किसी टीम ने हमें स्ट्रीम स्नैप किया, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहा था, मेरे को बोल रहा था कि वो स्काउट तो आगे स्ट्रीम कर रहा है, तो वो 5-10 मिनट का डिले डाल के करी स्ट्रीम, बस और कुछ नहीं है भाई। मैं जनरली सॉरी नहीं बोलता, बट मुझे ऐसा लगा यहाँ पे आप लोग डिजर्व करते हो सॉरी मेरे एंड से, क्योंकि मेरे टीम के प्लेयर से कुछ गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यार वही चीज है, एक फैमिली के बीच में दरार डालना सामने वाले चूतों का काम है, सिंपल। गॉब्लिन स्ट्रीम सब इट कांट हैपन भाई, स्ट्रीम इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पहली चीज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एक इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि भाई स्ट्रीम पर 5 मिनट का डिले रहता है, जो चीज आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो? कभी स्ट्रीम से पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रीम देख के, स्ट्रीम के पीछे जब भी आवाज आती है, बहुत बार तो मेरे स्ट्रीम के पीछे भी स्ट्रीम की आवाज आती है, क्योंकि मैं जो मैं देख रहा होता हूँ मर गया तो मैं मैच देख रहा होता, तो उस टाइम आवाज आती है, उसका स्ट्रीम सब नहीं होता ब्रो, 5 मिनट का डिले है, और भैंसो गॉब्लिन अपने फैमिली का हिस्सा, मेरे पे किसी क्लिप आएगी तो मैं भी बोल सकता ऐसा, पर स्ट्रीम स्टार हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, आप लोग भी समझो, ठीक है? और ये पता जितने लोग स्पैम बना रहे हैं सब मादरचोद लोग हैं जिनको झगड़े लगवाना है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, और जितने रंडी के बच्चे करते ना ये क्लिप भी प्लीज निकालना और देना, उस बेचारे ने एक रेफरेंस दिया था उसको जो आया, ठीक है? होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इसके बाद जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है उनके अंदर हमारे को 2 न्यू प्लेयर खेलते हुए दिखाई दिए, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मार्कोस गेमिंग को लेके, तो जो मार्कोस गेमिंग है उन्होंने रिलीज कर दिया अपना BGMI का रोस्टर, उन्होंने बताया था कि वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे रहने वाले हैं BGMI से, एंड उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग उनकी स्टोरी में देख सकते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, डागी को ये अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।